तो गाइज आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एडवाइस देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करोगे तो आने वाले समय में आपका चैनल बहुत लंबे समय तक टिकेगा। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में आप लोग पछताओगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारे फैक्ट चैनल डिलीट किए जा रहे हैं, जैसा कि अमय फैक्ट हो गया, आरजी फैक्ट बॉय हो गया, फैक्ट डॉन हो गया। ये बड़े बड़े चैनल थे जो 10 मिलियन के ऊपर चैनल थे, ये सारे के सारे डिलीट कर दिए गए। इस पर किसी प्रकार की कॉपीराइट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी डिलीट किए गए क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियोस थे। जैसा कि ये लोग फॉरेन कंट्री के वीडियोस यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो वीडियोस कैसे थे, वो वीडियोस प्रैंक्स वीडियोस थे, लेकिन उसके अंदर हार्मफुल कंटेंट था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने ना उनसे पूछा ना कोई भी जानकारी ली, सीधे चैनल ही उड़ा दिया। इसलिए आप लोगों को एक बैकअप लेके चलना है, यानी कि आप एक चैनल तो चला रहे हो और दूसरा चैनल भी आपको बना लेना है, उस पर भी आपको फैक्ट ही यूज करने हैं। लेकिन आपको इसके अंदर कुछ सावधानियां रखनी होंगी। आप जब भी दूसरा चैनल बनाएं, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर चेंज कर दें, यानी कि जो पहले यूट्यूब चैनल में आपका मोबाइल नंबर लगा है वो दूसरे में नहीं लगना चाहिए, दूसरे में दूसरा मोबाइल नंबर लगा देना, इससे भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आगे आने वाले समय में अगर आपका एक चैनल डिलीट होता है तो उसके साथ में दूसरा चैनल भी डिलीट हो जाता है, इसलिए आप मोबाइल नंबर अलग अलग रखना। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपका एक चैनल डिलीट हो जाता है तो दूसरा चैनल बचा रहेगा। हमें फैक्ट के साथ ऐसा ही हुआ, उसके दो चैनल थे दोनों उड़ गए, इसीलिए क्योंकि उसका एक ही मोबाइल नंबर दोनों पे लगा हुआ था। बहुत लोगों के एडसेंस दो अकाउंट पर लगे होते हैं तब भी दोनों चैनल चले जाते हैं। इसलिए आप जो है इन बातों का ध्यान रखना कि आप जो भी चैनल बनाएं उनमें अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करें। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि आपको बैकअप लेके चलना चाहिए। बैकअप लेके चलने से मतलब यह होता है, क्योंकि शॉर्ट फैक्ट चैनल जो होते हैं वो खुद का कंटेंट कोई यूज नहीं करता, दूसरे का कंटेंट यूज करता है, तो आने वाले समय में आपका चैनल चला ना जाए, इसलिए बैकअप लेके चलिए। आपका दूसरा चैनल अगर चल रहा है और कोशिश करिए कि आप फेस वैल्यू बनाइए, यानी वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें आपका चेहरा भी लोग पहचाने, आपके नाम से पहचाने, जिससे आने वाले समय में अगर आप दूसरा चैनल भी बनाएं तो वहां पर भी आपके व्यूज आने चाहिए। आप लोग अपनी ऑडियंस को इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर अपनी ऑडियंस को ले जाइए, जिससे आगे आने वाले समय में अगर आपका एक चैनल डिलीट हो जाता है तो आपकी ऑडियंस पहले से बनी हुई है, आप दूसरा चैनल बनाओगे तो उसके जरिए आपका दूसरा चैनल भी चलेगा। क्योंकि फैक्ट चैनल में फेस वैल्यू नहीं होती है, केवल और केवल नाम होता है। अगर आपका चैनल चला गया, नया चैनल आप बनाओगे तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे, इसलिए आप बैकअप बना के जरूर चलना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर किसी का भी भरोसा नहीं किसका चैनल कब उड़ जाए। क्योंकि मैं भी अपने चैनल के लिए बैकअप बना के चल रहा हूँ, मेरा फैक्ट चैनल अलग चल रहा है और मेरा टेक वाला चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो ये भी चल रहा है, जिससे मेरा एक चैनल अगर डिलीट भी हो गया तो दूसरा चैनल मेरा बैकअप के लिए है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ये वाला चैनल तो मेन है ही, फैक्ट वाला चैनल अगर प्रेजेंट टाइम पे चला भी गया तो कोई टेंशन नहीं, मेरी यहाँ पर ऑडियंस है, मैं इस ऑडियंस के जरिए दूसरा चैनल भी खड़ा कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग भी दूसरे चैनल पर अपनी ऑडियंस भेजने की कोशिश करिए और टेलीग्राम इंस्टाग्राम इन पर भी अपनी ऑडियंस लिख कर जाइए। जब आप वहां पर स्टोरी लगाओगे या टेलीग्राम पर अपनी लिंक शेयर करोगे तो आपकी ऑडियंस फिर से आपके वीडियोस को वॉच करेगी, नया चैनल खड़ा करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कॉन्टेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।